नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश में चल रहे हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और देश की राजधानी ढाका छोड़कर किसी सुरक्षित जगह के लिए निकल गई हैं। पहले ये खबर आ रही थी कि वो फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी जा सकती हैं, लेकिन अब खबर है वो भारत आ रही हैं। न्यूज 18 को मिली खबर के मुताबिक शेख हसीना अपनी बहन के साथ देश छोड़कर भारत पहुंच रही हैं। गाजियाबाद के हिंदन एयरपोर्ट पर उनका हेलीकॉप्टर उतरा है। वहीं दूसरी तरफ एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें कई प्रदर्शनकारी ढाका में प्रधानमंत्री आवास में घुस गए हैं और हसीना के देश छोड़ जाने पर जश्न मना रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना पहुंच चुकी है और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हिंडन एयरबेस पर उनका विमान लैंड हुआ है। बांग्लादेश की पीएम थी शेख हसीना, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वो पहुंची हैं, ऐसी खबर मिल रही है। भारत पहुंची है शेख हसीना, पहले ये खबर आ रही थी कि वो कहीं और जाने वाली हैं, लेकिन अब हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना पहुंच गई हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिंडन एयरबेस पर उनका विमान लैंड हुआ है। गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पड़ता है जहां पर शेख हसीना पहुंच चुकी हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो जो शेख हसीना है, जो पूर्व पीएम अब कह सकते हैं क्योंकि वो अपना इस्तीफा दे चुकी हैं और उसके बाद उनके आवास पर जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने कब्जा भी कर लिया है। दो तस्वीरें सम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। शेख हसीना भारत पहुंच चुकी हैं, अपना देश छोड़ चुकी है, बांग्लादेश छोड़कर वो भारत पहुंच चुकी हैं, हिंडन एयरबेस पर पहुंची है। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बंगबंधु की प्रतिमा को किस तरह से प्रदर्शनकारी तोड़ रहे हैं, वो तस्वीर भी इस समय आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ढाका से तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो भारत पहुंची है शेख हसीना, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, उसके बाद शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा प्रधानमंत्री पद से। उन्हें इस्तीफा देने के बाद भारत में वो पहुंची है, गाजियाबाद हिंडन एयरबेस पे वो पहुंची है और प्रदर्शनकारियों ने किस तरह से ढाका में उत्पात उठाया है उसकी तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, सड़कों पर प्रदर्शन किया गया है और उसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास को भी घेर लिया गया है। नीरज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नीरज, ऐसी खबर मिल रही है गाजियाबाद पहुंच चुकी है शेख हसीना, हिंडन एयरबेस पर उनका जो विमान है वो लैंड कर चुका है। देखिए बिल्कुल, जिस विमान से वो बांग्लादेश से निकले थे वो विमान हिंडन एयरबेस जो कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पड़ता है वहां उतर चुका है और देखिए एक सेफ लोकेशन पे ले जाया जा सकता है। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, हालांकि अब वो अवदस्त हैं और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन वो उन्होंने शरण मांगा है ब्रिटेन से, यानी लंदन में रहने के लिए शरण मांगा है और जब तक वहां के लिए नहीं निकलते तब तक वो दिल्ली में रह सकते हैं। सेफ लोकेशन होगा उसकी जानकारी किसी को नहीं दी जाएगी, लेकिन जब तक हिंडन एयरबेस यानी भारत से लंदन के लिए रवाना नहीं होती तब तक वो किसी दूसरे सेफ लोकेशन पे भारत में ही उन्हें रखा जाएगा, इस बात की अभी जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन हाँ बिल्कुल सही है कि हिंडन एयरबेस पे उनका एयरक्राफ्ट उतर चुका है। नीरज, पहले ये खबर मिल रही थी कि वो किसी फिनलैंड जाने वाली हैं, उसके बाद ये खबर मिली कि वो पश्चिम बंगाल उनका जो विमान है वो वहां पर लैंड करेगा और अब बाद में उन्होंने गाजियाबाद को चुना, इसकी कोई खास वजह? देखिए गाजियाबाद को चुना नहीं, वो जब इस तरह के आकस्मिक एयरक्राफ्ट और डिफेंस का जब इस तरह से चलता है तो वो कोऑर्डिनेट होता है, ऐसा नहीं कि बिना भारत सरकार की इजाजत के उतरा है वो विमान, लेकिन कोऑर्डिनेशन होता है। और हालांकि एक टेक्निकल एरिया, पालम टेक्निकल एरिया में भी एयरफोर्स के विमान उतरते हैं, लेकिन बांग्लादेश की प्रधानमंत्री वो अवदस्त हैं, उनको हिंडन एयरबेस पे उतारा गया है और यहां से जो आगे की जो भी प्रक्रिया है उसको किया जाएगा। अगर उनको लंदन जाना है तो लंदन जाने के लिए जो अगर वो पूरा हो चुका एकदम के लिए लंदन की ब्रिटेन की सरकार अगर तैयार है तो वहां जाएंगे। देखिए उनकी बहन भी उनके साथ है और उनके बहन के पास पासपोर्ट है, लेकिन शेख हसीना के लिए असाइलम, क्योंकि जब आप किसी इस्तीफा दे चुकी प्रधानमंत्री को, अपदस्त प्रधानमंत्री को आप शरण कोई देश देता है तो उसके डिप्लोमेटिक रेमिफिकेशंस भी होते हैं, इन तमाम चीजों का कोई भी देश ध्यान रखता है। हालांकि पहले वो भारत में शरण में रह चुकी हैं और भारत में रहते हुए ही वो अवामी लीग की अध्यक्ष भी बनी थी, तो अभी लंदन जाने की बात थी वो है अभी, लेकिन क्या उससे पहले भी कुछ घटेगा, क्या भारत में ही कंटिन्यू कर सकती, ये तमाम सवाल हैं। अभी इससे इनकार नहीं किया जा सकता,
कुछ दिन यहाँ रह सकते हैं, उसके बाद लंदन जा सकती हैं, ये भी एक विकल्प हो सकता है। तो अभी हिंडन एयरबेस पे थोड़ी देर पहले जब आपसे बातचीत हो रही है, वो उनका विमान उतरा और शेख हसीना और उनकी बहन इस विमान में मौजूद है, एयरक्राफ्ट में मौजूद है। नीरज, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, चूंकि इस समय ढाका की स्थितियां और तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं अच्छी नहीं है, ढाका छोड़ने की क्या यही वजह थी? चूंकि उन पर तमाम तरह के आरोप भी लग रहे थे, ढाका छोड़ने की खास वजह क्या थी? क्या जो प्रदर्शन हिंसक हो चुका था तो उनकी जान को खतरा था, इस वजह से वो वहां से चली आई, या फिर अब उनका बांग्लादेश से वो कोई ताल्लुक नहीं रखना चाह रहे? नहीं, देखिए, बांग्लादेश से ताल्लुक न रखने की बात, पिछली बार आपको याद होगा कि उनके पिता की भी हत्या, जब शेख मुजीबुर रहमान की जब हत्या हुई थी तब भी वो देश से छोड़ के निकली थी, हालांकि तब वो प्रधानमंत्री नहीं थी, तब उनकी उम्र महज 27 साल की थी, लेकिन अभी वो देश की प्रधानमंत्री थी और उनके खिलाफ तमाम छात्रों के अलावा उसमें विपक्षी दलों के लोग भी शामिल थे, उनका विरोध प्रदर्शन था। और ऐसे में जब सेना प्रमुख ने इस बात का ऐलान किया है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो ये अपने आप में अंडरस्टैंडिंग होती है, और उस अंडरस्टैंडिंग के तहत जो है वो वहां से बांग्लादेश से निकली है, क्योंकि वहां अगर रहती वो जाहिर सी बात है उन्होंने वो तैयार नहीं रहेंगे, सत्ता का हस्तांतरण उनकी मौजूदगी में नहीं हुआ, इसलिए ये एक डील हुई होगी कि हम छोड़ के जाएंगे, और उस डील के तहत ही वो वहां से निकली है। उसके लिए सेना की अनुमति मिली होगी, क्योंकि वो प्रधानमंत्री थी, सेना की तरफ से सेना को भी लगा कि अगर वो उन्हें जाने देंगे तभी यहाँ एक अंतरिम सरकार बन सकती है और आने वाले वक्त में प्रोटेस्ट को शांत किया जा सकता है। जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि भारत अगर उनको शरण दे रहा है तो कि भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, भारत शरण देता है कि नहीं ये अभी अटकलें हैं, और ये सवाल भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। ब्रिटेन से उन्होंने शरण मांगी है, और इसका देखना होगा कि ब्रिटेन में, क्योंकि ब्रिटेन में ही बीएनपी के जो वाइस चेयरमैन हैं, बीएनपी यानी खालिदा जिया के जो बेटे हैं और बांग्लादेश नेशनल पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो वहीं रहते हैं। तो ऐसे में शेख हसीना की बहन भी वहां रह चुकी है, शेख हसीना को ने वहां के लिए मांगी है, तो इसमें मिल सकता है, इसमें कोई मुश्किल आएगी मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन जब तक वो वहां के लिए नहीं जाते तब तक वो भारत में है। अभी के लिए बात हो रही है, इस वक्त वो भारत में है, हिंडन पे उतर चुकी हैं, कहां रहेंगी अभी देखना हो। और नीरज, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि प्रदर्शन जो ढाका में है वो इस समय बहुत भयावह स्थिति में पहुंच गया है, उसको शांत कराने के लिए शायद उनको बांग्लादेश से निकाला गया है, चूंकि उनकी भी जान को खतरा ना हो, और जो अतीत रहा है वो भी राजनीतिक अतीत वो इस तरह का रहा है कि वहां पर जो इनके पिताजी थे उनकी भी हत्या कर दी गई थी। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि भारत में उन्होंने शरण ली है, भारत से वो ब्रिटेन जा सकते हैं, लेकिन उनका राजनीतिक करियर की बात करें, उनके पारिवारिक जीवन की बात करें, उनके जो परिवार के अन्य सदस्य होंगे उनको किस तरह से सुरक्षा दी जाएगी वहां? देखिए, परिवार के लोग, उनकी बहन उनके साथ में है, वो उनके साथ दिखते हैं यहाँ से एयरक्राफ्ट में। और जहां बांग्लादेश की बात है, तो देखिए, शेख हसीना को अब्दस्त करके उनका इस्तीफा लेकर वहां जो विरोध कर रहे छात्र थे, प्रदर्शनकारी थे, उनका गुस्सा तो अभी तुरंत के लिए थोड़ा जरूर होगा। दूसरी चीज, जिनके जीवन आफत है, यानी जिनके जीवन को खतरा है, चाहे आप मान ले अवामी लीग के जो समर्थक हैं, इसके अलावा हिंदू समुदाय के कुछ लोगों पर भी हमला हुआ था, तो उनकी जान को भी खतरा है। और भारत के लिए तो एक बड़ी चुनौती ये होगी कि बहुत सा शरणार्थी बांग्लादेश से भारत की सीमा में न प्रवेश करे, खासकर जिनको लगता है कि बांग्लादेश में रहकर जमीयत इस्लामी या फिर बीएनपी के कार्यकर्ताओं से उनकी जान को खतरा हो सकता है।